सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सैमसंग गैलेक्सी A50s और सैमसंग गैलेक्सी A30s भारत में लॉन्च, जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन। ओप्पो A9 2020 और ओप्पो A5 2020 लॉन्च हुए भारत में, 4 रियर कैमरे और 5000 mAh बैटरी से है लैस। आईफोन 11 की कीमत 64,900 रुपए से शुरू, जाने सभी वेरिएंट के दाम। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे वाले रियलमी फोन के बारे में मिली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सैमसंग गैलेक्सी A50s और सैमसंग गैलेक्सी A30s भारत में लॉन्च, जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन। सैमसंग ने बुधवार को अपनी गैलेक्सी A सीरीज के दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A50s और सैमसंग गैलेक्सी A30s को भारत में लॉन्च किया। सैमसंग गैलेक्सी A50s की कीमत 22,999 रुपए से शुरू होती है। दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A30s के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 16,999 रुपए में बेचा जाएगा। ओप्पो A9 2020 और ओप्पो A5 2020 लॉन्च हुए भारत में, 4 रियर कैमरे और 5000 mAh बैटरी से है लैस। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो के नए स्मार्टफोन ओप्पो A9 2020 और ओप्पो A5 2020 की बिक्री इस महीने से शुरू होगी। ओप्पो A9 और ओप्पो A5 2020 4 रियर कैमरे वाले स्मार्टफोन है, लेकिन दोनों ही फोन में प्राइमरी सेंसर अलग है। ओप्पो A9 2020 में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, जबकि ओप्पो A5 2020 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है। आईफोन 11 की कीमत 64,900 रुपए से शुरू, जाने सभी वेरिएंट के दाम। बीते मंगलवार को आयोजित इवेंट में एप्पल ने इस साल के 3 नए आईफोन मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें से सबसे किफायती मॉडल आईफोन 11 है। आईफोन XR की तुलना में आईफोन 11 बड़ा अपग्रेड है। आईफोन 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है और इसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे वाले रियलमी फोन के बारे में मिली जानकारी। रियलमी XT भारत में 13 सितंबर को लॉन्च होगा। इससे पहले एक रियलमी स्मार्टफोन को चीनी सर्टिफिकेशन साइट टीना पर लिस्ट किया गया है। रियलमी RMX 1991 स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई पर आधारित कलर OS 6 पर चलेगा। इसमें 6.4 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले होगा। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।